दोस्तों, रातों रात कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ना, जाना पहचाना चेहरा बन जाना, बेशुमार प्यार और तारीफों की भरमार। जी हाँ, कुछ ऐसा ही रुतबा मिल जाता है जब बॉलीवुड की सरजबी पर कोई सितारा अपनी पहली ही फिल्म से दर्शकों का चहेता बन जाता है। माया नगरी मुंबई कब किसकी किस्मत पलट दे, इसका अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही एक हसीन चेहरे की, जिसकी भोली सूरत, मुस्कुराहट और सटीक अभिनय ने उसकी झोली में पहली ही फिल्म से एक आइकॉनिक किरदार को डाल दिया था। जमीनी हकीकत और ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ी सुपरहिट फिल्म नदिया के पार की गूंजा को भला कौन सिनेमा प्रेमी भूल पाया होगा। फिल्म में न तड़क भड़क था और न ही ग्लैमर का कोई एलिमेंट, पर गूंजा के किरदार को जीने वाली साधना सिंह को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। अपनी सादगी से सिने प्रेमियों को कायल बना देने वाली साधना ने खूब वाहवाही बटोरी थी, पर पहली फिल्म की तरह इनका करियर ग्राफ उतना सक्सेसफुल नहीं बन पाया। बीतते समय के साथ ये भी वन मूवी वंडर बन गई। शुरुआत में कुछ फिल्में हाथ लगी, पर फिर साधना ने अपना रुख गृहस्थी की ओर मोड़ लिया। तो आइए दोस्तों, जानते हैं साधना सिंह की कहानी हमारी जुबानी। फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री साधना सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में हुआ था। उनका परिवार पंजाब से ताल्लुक रखता है। इनके पिता पेशे से पत्रकार थे और इनकी माँ एक हाउसवाइफ थी। साधना की पढ़ाई वाराणसी में पूरी हुई थी। साधना ने बताया था कि एक्टिंग में आने का उनका कोई इरादा नहीं था, उन्होंने कोई प्रशिक्षण नहीं लिया है। हुआ यूं था कि वो अपनी बड़ी बहन के साथ एक शूटिंग देखने गई थी, जहां उनका भोला भाला लुक फिल्म यूनिट के लोगों को नजर आया। साधना को इतनी सफल फिल्म में काम मिल जाना किसी स्वप्न जैसा था। उनका स्क्रीन टेस्ट लिया गया, जिसके बाद उन्हें गूंजा का किरदार मिल गया। राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म से उनका कारवां शुरू हुआ और सन 1982 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म नदिया के पार आज भी दर्शकों के जहन में कौन दिशा में लेके चला गाती हुई गूंजा गाने के बोल सुनते ही जी उठती है। फिल्म नदिया के पार लेखक केशव प्रसाद की किताब कोहबर की शर्त पर बनी है। कहते हैं इस फिल्म की शूटिंग के दौरान गांव वाले फिल्म की यूनिट के काफी करीब हो गए थे। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में शूट हुई इस फिल्म के शूट खत्म होने पर पूरा गांव रोया था। फिल्म के रिलीज के बाद साधना सिंह का जादू कुछ ऐसे चला कि लोगों ने तो अपनी बेटियों का नाम भी गूंजा रखना शुरू कर दिया था। एक्ट्रेस ने बताया था कि कई मौकों पर उनके पैर भी छुए जाते थे। साधना को इस रोचक प्रदर्शन के बाद इन्हें कई और फिल्में मिली। ससुराल, पिया मिलन, पापी संसार, ये कैसा फर्ज, सुर संगम, तुलसी, माँ दुर्गा, परिवार, फलक, औरत और पत्थर, प्यार का सावन जैसी फिल्मों में उन्हें अच्छे रोल्स मिले, पर नदिया के पार वाला स्टारडम वापस नहीं आ पाया। अभिनेत्री साधना ने टेलीविजन पर भी खूब काम किया है। उनके चर्चित टीवी सीरियल्स भी हैं, प्यार जिंदगी है, प्रतिमा, फुलवा, कभी तो मिलेंगे, किस देश में है मेरा दिल, घर जमाई, संतोषी माँ। बकौल साधना सिंह, वो बचपन में एक टॉम बॉय हुआ करती थी। उनकी बड़ी बहन एक कथक डांसर थी, जिन्होंने बिरजू महाराज से प्रशिक्षण लिया था। बहन और माँ बाप के सपोर्ट से उन्होंने राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म नदिया के पार के लिए हामी भरी थी। साधना ने ये भी बताया था कि उन्हें सिंगिंग का भी काफी शौक है, पर सिंगिंग के लिए उन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है। साधना के अनुसार सतीश शाह, सचिन, अरुण गोविल जैसे कलाकारों के साथ काम करना एक बेहतरीन अनुभव था। बात करें साधना की निजी जिंदगी के बारे में, तो उन्होंने लव मैरिज की है। उनकी शादी गिरिडीह झारखंड से बिलोंग करने वाले फिल्म प्रोड्यूसर राजकुमार शाहबादी से हुई है। कहा जाता है एक फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे और 3 साल डेट करने के बाद शादी की। उनके 2 बच्चे भी हैं। इनकी बेटी का नाम शीना सिंह है। उन्होंने भी फिल्मों में किस्मत आजमाई है, जबकि बेटा एंटरप्रेन्योर है। बेटी हिंदी फिल्मों के साथ साउथ की फिल्मों में भी एक्टिव है। पर्दे की ये खूबसूरत अदाकारा रियल लाइफ में एक एनिमल लवर भी है और उन्हें आर्टिस्टिक चीजों से काफी लगाव भी है। शादी के कुछ समय बाद साधना ने बॉलीवुड फिल्मों से मुंह मोड़ लिया। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म मुक्केबाज और सुपर 30 से उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में कमबैक किया है। साधना कहती हैं उन्हें अच्छे किरदार और मौकों की तलाश है जो उनके दिल को छूले। वो सीरियल्स के अलावा फिल्मों में काम करने के लिए भी रेडी हैं। आजकल साधना सिंह अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई में ही रहती हैं। कोई अच्छा ऑफर मिलने पर वो काम भी करती हैं और परिवार का ध्यान भी रखती हैं।
पति के कहने पर उन्होंने अब सिंगिंग को भी सीरियसली लेना शुरू किया है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं अभिनेत्री साधना सिंह की बायोग्राफी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और भी दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।